हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बीडी और आज हम आ चुके माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज में। तो ये हमारा तीसरा एपिसोड है। तो पिछले एपिसोड में हमने आयन को फाइंड कर लिया था, तो इसकी वजह से हमने हमारा वेट फार्म भी कंप्लीट कर दिया और हमने हमारे लिए एक शील्ड भी बना दी। तो यहाँ पर हमने हमारे हाउस में मतलब विला में स्टेज भी लगा दिए, ये ठीक ठाक लगा दिए। तो यहाँ पर हमारा क्रीपर से भी सामना हो चुका है, इसकी वजह से यहाँ पर फेंस भी टूट गया हमारा, तो इसे लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अभी हमें बहुत कुछ करना है। तो आज हम सबसे पहले फिशिंग करेंगे, तो चलो उसके लिए हमें चाहिए एक फिशिंग रॉड। तो उसे बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, एक दो स्पाइडर स्ट्रिंग और एक थ्री स्टिक्स। ओके ठीक है, ये तो हमारे पास है। तो ये फिशिंग रॉड तैयार हो चुका है हमारा, और बोर्ड भी चाहिए हमें। ठीक है, ये भी तैयार हो गई। तो चलो चलते हैं फिशिंग के लिए, तो देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पर हम आ चुके हैं रिवर के सेंटर में, तो यहाँ पर चलो फिशिंग शुरू करते हैं। तो ज़्यादा दूर फेंकते वो, ठीक है। तो चलो इंतज़ार करते हैं, देखते हैं, आज फिशिंग ही करनी है। आई आई मछली आई मछली आई मछली आई। ये बात, हमने हमारी पहली फिश पकड़ ली है। हम लगभग भटक चुके हैं, हम फिशिंग करने आए थे और पता नहीं अब क्या हो गया, हम पूरी तरह से भटक चुके हैं अभी लगभग। नहीं तो मैंने, अच्छा हुआ मैंने कोऑर्डिनेट्स का स्क्रीनशॉट ले लिया था हमारे होम का। तो चलो जाते हैं घर पे, तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स देखने पड़ेंगे। ओके, तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, तो वो है 267 यानी -199। तो चलो देखते हैं कहाँ पे। तो अभी हम कहाँ पे हैं, तो अभी हमें 194 यानी -267। ठीक है, तो हमें जाना है इधर। ओह फाइनली, तो अगली बार से एक हॉर्स तो चाहिए चाहिए, लेकिन उसके लिए लीड चाहिए हमें। ये वंडरिंग ट्रेडर कब स्पॉन होगा पता नहीं, इतनी जल्दी नहीं होगा शायद, लेकिन जल्दी जल्दी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम हमारे विला तो आ चुके हैं, तो इसे हम बार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यही पे लगा देते हैं, कुछ अच्छा दिखेगा शायद। ठीक ठाक दिख रहा है, इतना भी बुरा नहीं। हमारे पास पोटैटो और शुगर केन पड़ी हुई, चलो इन दोनों के फार्म बना देते हैं यहाँ पर आराम से एकदम। ठीक है, इतने खत्म हो गए। अरे यार, इसके लिए तो सैंड चाहिए। चलो कोई नहीं, सैंड भी है हमारे पास। ये बन गया हमारा पोटैटो और शुगर केन फार्म, छोटा सा है लेकिन काम चल जाएगा, अभी इतनी बड़ी की ज़रूरत भी नहीं है। एक और बना लेते हैं इधर, शायद फ्यूचर में लग जाए। शॉवल चाहिए हमें एक। ये जॉम्बी की घोराने की आवाज़ आ रही है नीचे, जॉम्बी शायद, जॉम्बी जॉम्बी। नहीं, यहाँ पर कुछ और है क्या हमारे पास, देखते चलो। ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं अभी फार्मिंग करने के लिए, और कुछ नहीं लगा सकते, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे पास काफ़ी सारा आयरन हो चुका है, मतलब हमारे पास काफ़ी सारा आयरन हो चुका है। पिछली बार हमने माइनिंग की थी, तो हमारे पास लगभग 99 बचा हुआ है, थोड़ा बहुत हमने इस्तेमाल कर लिया। तो चलो अभी हम आयरन एज में जाते हैं। तो सबसे पहले एक स्वॉर्ड बना लेते हैं। तो स्वॉर्ड तो ऐसे ही बनते हैं, नहीं कुछ गलत। ओके, ऐसे और फिर ऐसे, नहीं ये तो शावल है, शॉर्ट कैसे बनती। ओ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं आयन एज में, तो चलो सब कुछ आयन का ही बना लेते हैं। एक्स बना लेते हैं, एक एक्स किधर गया। ओ यहाँ पर हम बहुत कुछ बना सकते हैं, माइनक्राफ्ट माइनिंग के लिए अच्छी हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, और क्या है, आयरन बार्स, ब्लॉक ऑफ आयरन, ठीक है ये नहीं चाहिए हमें।
हाँ ये चाहिए हमें, शेयर्स ये बना लेते हैं। और क्या है मेरे पास? एक बकेट, ठीक है। पहले एक पिकैक्स बना लेते हैं। स्टिक्स खत्म हो गए हमारे। स्टिक्स थोड़ी और ले लेते हैं। ओके ये बन गया हमारा पिकैक्स, नाइस। ओके चलो इसे सजा देते हैं अभी। नहीं हम इस्तेमाल करेंगे इसका, इसे रख देते हैं, इसके अभी कोई ज़रूरत नहीं अभी। ठीक है ओके। हमारे पास बो भी नहीं अभी, हम बो बना सकते हैं क्या? बो बनाने के लिए क्या चाहिए? ठीक है यहाँ पर तो बहुत कुछ है, तो वो बनाने के लिए हमें चाहिए 3 स्ट्रिंग। ठीक है हमारे पास स्ट्रिंग से ऊपर ही शायद, हाँ यहाँ पर ही। चलो वो भी बन गया, कैसे लगाना था यहाँ? ओके नाइस। ठीक है चलो अभी हम एरोस रख दी मैंने शायद। ओके नाइस। एक बार वो अभी हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नीचे आएगा। ओके 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 हमारे पास काफ़ी कम है अभी। ठीक है हम विलेजर्स लाते, चलो यहाँ पर दिन ख़त्म कर देते और विलेजर्स लाते। यहाँ पर हमें चाहिए विलेजर्स, तो अभी बोट से ही जाते। ये कोऑर्डिनेट्स देख लेते क्या है, 206 यानी -132, 206 यानी -132। ठीक है ताकि घूम ना जाए हम, नहीं तो ये काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस है मेरा, मैं हर बार घूम जाता हूँ, भटक जाता हूँ, सॉरी। ठीक है एक फार्मर को उठाते हैं सबसे पहले, तो इस्तेमाल के लिए जाना पड़ेगा। चलो फार्मर, फार्मर कहाँ पे? इस विलेज का फार्मर किधर है भाई? मैंने दरवाजे बंद रखे थे ना पिछली बार, हाँ रखे थे, मुझे अच्छे से याद है। नहीं तो ये पूरा ये क्या ट्रेड कर रहा है? ठीक है कोई कुछ खास नहीं, हमें फार्मर चाहिए यार, फार्मर इधर ही होगा शायद। हाँ ये रहा, चल भाई आ जा, चलो नई फार्मिंग जगह पर ले जाता हूँ तुम्हें। ठीक है एक विलेजर, ये फार्मर क्यों दिखाई दे रहा है? विलेजर विलेजर कहाँ पे? ओके नाइस ये बैठ गया। चलो चलते हैं। तो यहाँ पर हमने एक विलेजर को किडनैप कर लिया है, तो अभी हम इसे घर लेने ले जाने वाले हैं, जिसमें 10 साल लगने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं 10 साल बाद। Later. ठीक है ये तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है, कैसे लेके जाओ इसे? ओके नाइस ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ओके नाइस किधर जा रहे, बैठ जा। नाइस अच्छा विलेजर, इधर आ जा इधर। हेलो हेलो शिट ये तो गलत जगह जा रहा है, इधर 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 इधर। ओके नाइस 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 ऊपर जा ऊपर आ। I'm mad. I'll smash you to pieces. It's a little bitty pieces. अरे यार नीचे मत जाना। ठीक है तो हमें सबसे पहले कंपोस्टर्स बनाने होंगे, तो इसके लिए हमें फेंसिस और प्लैंक चाहिए। ओए ये इधर कैसे आ गया? ए हाउ डेयर यू, मर सर मर। ठीक है वक्त बर्बाद कर दिया इसने। कहाँ पर है? हमें चाहिए फेंसेस, फेंसेस। ओके यहाँ पर स्टिक्स ले लेते हैं, फेंसेस तो 6 पड़े हैं हमारे पास। और क्या चाहिए? फार्मर में, फार्मर में। ओके नाइस काम कर मेरे लिए, ये बात इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग नाइस।